भागवत शिक्षा, भागवत में श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा है। जो हम लोग सोचते हैं कि भागवत महापुराण में बस कृष्ण भगवान की कथा, ठीक है, कृष्ण भगवान की कथा तो बहुत विस्तार से लिखी गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और जो हमें सुनाया जाता है या सुनते हैं हम, तो समझ में आता है कि बस श्रीमद् भागवत पुराण में बस कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग लिखे गए हैं और कुछ नहीं। ऐसा सामान्य हिंदू लोगों के मन में है। यह एक प्रयास है कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की, आध्यात्मिक प्रेम की बातें तो लिखी ही गई हैं, उससे ज्यादा जो कुछ लिखा गया है हम क्या सीख सकते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में से, एक प्रयास है, एक कोशिश है आपको, आपके सामने रखने का। आपको पसंद आए आप रखिए, आपको न पसंद आए आप भूल जाइए। लेकिन मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा करता हूं कि मेरी वाणी पवित्र रहे, मेरा मन न बिगड़े, इसलिए कथाएं चलती है, राम जी की, कृष्ण जी की कथाएं। तो भागवत शिक्षा में हम लोग सुन रहे हैं कि महाराज जी कह रहे हैं कि देख, अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे, कितनी अच्छी बात जो है अपने बच्चों को। ऋषभ देव जी बताते हैं जो हमारे आपके जीवन को बदल सकती है, और ये भी बताते हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। हा? कहते हैं कि पुत्र सुनो, क्या कि मनुष्य को चाहिए कि वो सावधान रह करके जो सारे बंधन अनायास बांध के रखा है इसको काटे, इसको छोड़े। और कैसे बंधन को काटना है? शास्त्रोक्त विधि से। आप कहेंगे बंधन काटना है तो शास्त्रोक्त विधि क्या है और शास्त्र से अन्य विधि क्या है? पति पत्नी का संबंध है ना, ठीक। और शास्त्रीय विधि से अगर इस संबंध को काटते, कहेंगे बंधन है काटते हैं तो पाप होगा, क्योंकि आपने फेरा लिया है। कोई कह सकता है ना, चलो शास्त्र कहते सारे बंधन काटना चाहिए तो मैं अपना पति छोड़ती हूं, मैं अपना पत्नी छोड़ता हूं, अपने बच्चों को छोड़ के मैं जंगल जाता हूं, यह अशास्त्रीय विधि होगी। शास्त्रीय विधि क्या है? अगर गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए जो जिम्मेदारी हमने ली है, जो हमने स्वीकार किया है, उसको स्वीकार करते हुए संबंध को निभाते हुए ईश्वर की आराधना करना। ऐसा नहीं कि संसार में फंस करके ईश्वर को भूल जाना, तो हम बंधन में पड़ गए। जो भी बंधन आपको ईश्वर से रोकता है वही माया है, वही दुख का कारण है और वही बंधन है। और हमारा जीवन कैसा है? हमारे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, लेकिन दुनिया भर की बकवास करने के लिए हमारे पास खूब समय रहता है। कभी कभी जाइए दुकानों के पास, लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए, अरे कभी भक्ति क्या करो भगवान का? अरे मेरे पास समय नहीं है। और जब पूछेंगे यहां क्या कर रहे? अरे मजे ले रहे। और फिर उसके बाद झगड़े हो रहे हैं उनके। तो ये सारे बंधन को शास्त्रीय विधि से काटना है। शास्त्रीय विधि से काटना है मतलब भगवान का कीर्तन करते हुए अपने परिवार को संभालना है, भगवान का कीर्तन करते हुए अपने संबंध को संभालना है, यही शास्त्रीय विधि है। और जो समाज का जो बंधन या परिवार का जो बंधन भगवान से दूर करे, तो समझिए तजीय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बैदेही तजीय कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही।
जो भगवान को प्रेम नहीं कर सकता है, मान लीजिए आपको प्रेम नहीं कर पाएगा। जो भगवान को प्रेम करता है वही संसार को भी संभाल पाएगा। बलिगुरु तजेव, राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया क्योंकि गुरु ने कहा देखो देखो ये विष्णु आ गया है तुमको धोखा देने, ऐसा शब्द प्रयोग में लाया शुक्राचार्य ने, और जाकर के कमंडल के टोटी में जो जिससे पानी गिरता है उसमें घुस के बैठ गए कि पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा तो बलिदान नहीं करेंगे। राजा बलि ने क्या किया, एक कुसा उठाई और कमंडल की टोटी में ऐसे कुसा को रख दिया और शुक्राचार्य की एक आंख चली गई, काने हो गए शुक्राचार्य और निकले, कहा ऐसा क्यों किया, कहा आप दान देने से रोक रहे, साक्षात विष्णु महाविष्णु हमारे सामने प्रकट हुए हैं और गुरु का धर्म है ईश्वर से मिलाना और आज आप ईश्वर से मिलने नहीं दे रहे, मैं त्याग करता हूं। बलिगुरु तजेव, भरत महतारी, भरत जी ने मां को छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक चीज ख्याल रखिए, हर समय जो भगवान को प्यार नहीं करता वो हमको आपको कभी भी प्यार नहीं दे पाएगा, हमको आपको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए शास्त्रोक्त विधि से हमें इस माया को दूर करना है। इस माया को काटना है, ऐसी बात कहते हैं। और क्या कहते हैं ऋषभ देव जी, कहते हैं कि पुत्राश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मधु अनुग्रहार्थ। कहा जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो। पहली बात, पुरुषार्थ क्या है, हम पैसा कमा ले तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी चीज पाली, पुरुषार्थ कर लिया। अर्थ धर्म काम मोक्ष एक पुरुषार्थ है कहे गए, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थ है भगवत की प्राप्ति, भगवान को प्रेम कर पाना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जो इसी को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानता है, अगर वह राजा है तो अपनी अबोध प्रजा को, राजा अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे। क्या शिक्षा दे, कि सबसे बड़ा अगर कुछ पुरुषार्थ है तो भगवान की प्राप्ति। गुरु को अपने शिष्य को सिखाना चाहिए कि सब छोड़ो, भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करो, थोड़ा नाम जपो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा कीर्तन करो। राजा को चाहिए अपनी प्रजा को यह बात बताए, गुरु अपने शिष्य को और पिता अपने पुत्र को शिक्षा दे। और कहा अगर बात न माने, कितनी अच्छी बात कहते, कहा अगर पुत्र को समझाया जाए, शिष्य को समझाया जाए और प्रजा को समझाया जाए, न माने तो, और वो सोचते रहे नहीं नहीं धन कमाना ही सबसे बड़ी बात है, नाम कमाना सबसे बड़ी बात है, अर्थ धर्म काम मोक्ष इसको पाना बहुत बड़ी बात है, अगर पुत्र भी बोले, शिष्य भी बोले और प्रजा भी बोले तो क्या करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, नहीं। क्या कहते, क्रोध नहीं करना, उन पर क्रोध न करके उन्हें समझाना चाहिए, उनको सत्य बताने की कोशिश करती रहना चाहिए कि देखो ये ठीक नहीं है, यह माया का रास्ता है, भगवत का भगवान का रास्ता नहीं है। उनको कोशिश करना चाहिए बिना क्रोध किए। और कहा अगर पिता भी, गुरु भी और राजा भी, कहा पिता अगर अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को, राजा अपनी प्रजा को,
अगर माया में फंसाने की कोशिश करता है, विषय वासना में फंसाने की कोशिश करता है, तो वह ऐसा ही है जैसे किसी अंधे को ले जाके कुएं में फेंकना। गुरु अगर कहे शिष्य जाओ जाओ खूब पैसा, चाहे जैसे लूटपाट के पैसा लाओ पैसा लाओ, इसका मतलब वो बेचारा तो अज्ञानी है ही, अंधा है ही, और गुरु भी एक धक्का दे रहा, जाओ गिर जाओ कुएं में। नहीं करना चाहिए, इससे कोई पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। पुरुषार्थ की सिद्धि तो तब होगी जब सिखाया जाए अपने से छोटो हो कि देखो ठीक है पैसा कमाओ ठीक है, लेकिन भगवान को मत भूलो, चलो भगवान को याद करें। हालात क्या है? हालात ये है कि पिता अपने पुत्र के सामने बैठ करके मंदिर संत और ब्राह्मण की निंदा करता है, तो होता क्या है फिर वही पुत्र जो है मंदिर ब्राह्मण और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लगता है। कभी मत करिए, कभी मत करिए। अब कहेंगे सच है कहना पड़ता है, तो अगर सच बोलना है ना तो अपने बारे में बोलना चाहिए, ठीक है। हम क्या सोचते हैं इसको सबको बता दीजिए, दिन भर की सोच अगर अपने परिवार को बता दीजिए, देखिए आपका परिवार क्या कहता है। सच बोलना अगर दूसरे के बारे में नहीं शुरू करना चाहिए, पहले अपने बारे में शुरू करना चाहिए, मैं कैसा हूं। और समस्या यह है, प्रॉब्लम यह है कि लोग दूसरे के बारे में सच बोलना चाहते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं और अपने बारे में छिपाते हैं, यही समस्या है। कोई भी कहे अगर मैं सच बोलता हूं, ठीक, अपने बारे में पहले सच बोलिए, कितनी चोरी की, कितना झूठ बोला, किसको किसको धोखा दिया, किसकी किसकी बेईमानी की, क्या क्या किया जीवन में। सच बोलना है तो पहले अपने बारे में, और संसार में कहते हैं संसार में थोड़ी सी कामनाओं में फंस करके क्षणिक सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं। मैं गया था उसके घर, वो बोला ही नहीं, बिना उसकी समस्या समझे उसको दुश्मन मान बैठे। मंदिर गए, हाँ मंदिर गया था, वहां तो कोई मुझसे बोला ही नहीं, राम राम नहीं किया। अगर हम आप मंदिर जाते हैं तो आप कोई राम राम कहे इसके लिए थोड़ी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? जाते हैं भगवान को प्रणाम करने। भगवान को प्रणाम किया, भगवान से अपने दुख और सुख कहा, भगवान को जल चढ़ाया जल चढ़ा सके, भगवान के पास फूल रख सके तो फूल रख सके, जो भी कुछ दान दे सके दे सके, पुनः भगवान को प्रणाम करके अपने घर को गए। हम आप इसलिए थोड़ी मंदिर जाते हैं कि सब कोई मुझे राम राम कहे। अगर नहीं कहा तो हो सकता है उसकी समस्या होगी कोई, वो भी ध्यान करता होगा भगवान का। अगर कह दिया तो सौभाग्य, बहुत अच्छी बात, उन्होंने मुझे राम राम कहा, मेरे मुंह से राम राम निकला। छोटी छोटी बातों में लोग बैर ठान लेते, छोटी सी बात को लेकर बहुत छोटी बातों पर जितनी समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं होती है सब छोटी बातों पर होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी बात के लिए कोई समस्या, बहुत छोटे से अहंकार को लोग भोग, लोग अपनी विषय वासनाओं के चक्कर में थोड़ा सा कुछ हुआ बस बैठा लेते हैं और निरंतर क्या कोशिश करते रहते हैं। संसार देखिए कितनी अच्छी बात बताते हैं, हमारे हमारे आपके मन की बात, हमारे शास्त्र जो है ना, हमारे सनातन धर्म के शास्त्र ही सत्य बोलते हैं और कोई नहीं बोलता, कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यह ईश्वरीय ग्रंथ है, स्वयं ईश्वर यह बात कह रहे, तो ईश्वर को सब कुछ पता है। तो क्या कहते हैं, मनुष्य क्या करता है, दिन रात विषय भोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते दिन रात। हाँ, घर हो जाए तो घर सुंदर हो जाए, सुंदर हो जाए तो सोने के हमारा क्रान हो जाए, हमारा नल सोने का हो जाए, चांदी का मेरा चम्मच हो, चांदी की थाली हो। अरे क्या, चांदी की थाली में खाओगे तभी पेट भरेगा। छोटी छोटी सी बातों पर जो है
इतना इतना विषय भोग की सामग्री इकट्ठा करने के लिए इतना दुख उठाते हैं, इतना दुख उठाते हैं कि कल्पना से बाहर, सोच से बाहर है। और ऋषभदेव जी कहते इन सब बातों से क्या होता है, इन सब बातों से बैर विरोध से हमें नरक जाना पड़ता है, नरक तो भोगना पड़ता है। अब बहुत बड़े बड़े विद्वान आते हैं कहते हैं भैया नरक है ही नहीं, ये सब केवल किताबों में बस ऐसे ही लिख दिया गया। नरक तो भोगना पड़ता है। जितना हम दूसरे से बैर करेंगे, विरोध करेंगे, जितना विषय वासनाओं में फंसेगे, जितना विषय भोग की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करेंगे, सबका परिणाम होगा कि हमें नरक भोगना पड़ेगा। जो नरक से डरते हो, नरक को मानते नहीं। कभी कभी गरुड़ पुराण पढ़िए तो लोग बड़ा डरते हैं, कहते नहीं 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 मैं नहीं सुनूंगा। जानते क्यों नहीं सुनना चाहते? इसलिए नहीं सुनना चाहते कि उनका पाप लिखा है और इस पाप का क्या फल है वह लिखा है। इसलिए लोग बड़ा डरते हैं गरुड़ पुराण सुनने से, बहुत डरते हैं, क्योंकि शास्त्र तो सत्य बोलेंगे। अब उसमें आप हमारा आपका चेहरा कहां दिखाई पड़ जाएगा, ये तो हम हमारे बारे में कहेंगे और फिर हम सुनने से डरेंगे। तो इन सब का कारण क्या होता है, फल क्या मिलता है इन सब बातों का, बैर विरोध का और विषय वासनाओं फंसने का, कि हमें नरक की प्राप्ति होती है। और नरक अत्यंत घनघोर और दुख मिलता है, नरक में दुखद स्थिति होती है, दुखद स्थिति। कैसे कैसे नरक है, एक शरीर बनती है हमारे किए गए कर्मों को भोगने के लिए, एक शरीर मिलती है और उससे बहुत भोग नरक, ये सब सारे वर्णन जो है गरुड़ पुराण में है, आप सुन चुके होंगे, कभी फिर सुनाऊंगा गरुड़ पुराण, कितना कितना दुख उठाना पड़ता है, है? तो इसलिए और संत महापुरुष क्या करते हैं, कोई अज्ञानी पुरुष हो और वो उल्टा चले, इधर चेहरा कर ले और पीछे की तरफ चले, और पीछे गड्ढा भी हो तो देखेगा नहीं, क्योंकि देख तो इधर रह जा रहा है पीछे। जो दयालु जो संत होगा, जो महापुरुष होगा, वो क्या करेगा, उसको रुकेगा, भैया रुक जाओ रुक जाओ, पीछे मत जाओ, गड्ढा गिर जाओगे। तो संत लोग हम वही कर रहे हैं, हम देख तो सामने रहे हैं लेकिन जा रहे हैं पीछे, और पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, नरक का गड्ढा है जिसमें गिरने वाले हैं। ये जो संत महापुरुष घूमते रहते हैं ना, ये समय समय पर आके हमको सचेत करते रहे, नहीं नहीं पीछे मत चलो, उल्टा मत चलो, सीधे चलो, सीधे भगवान के रास्ते चलो, नरक नहीं जाना पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जाने नहीं देते, तो संत हमको बचाते। और कहते हैं बहुत अच्छी बात, कहते हैं क्या कहते हैं ऋषभदेव जी, कहा वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को आवागमन की मृत्यु से न बचा ले। गुरु तो कहते रहते, गुरु प्रयास करते, मंत्र जपो, भगवान की सेवा करो, संसार को खुश नहीं कर सकते, संसार को हम थोड़ा सा सुख दे सकते हैं भगवत भक्ति से, पूर्ण सुख दे सकते हैं भगवत भक्ति से, महान सुख दे सकते हैं भगवत भक्ति से। अगर हम सोचते हैं कि संसार की वस्तुएं दे करके किसी को सुखी कर सकते हैं तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो शिष्य है उसको समझना चाहिए, गुरु जी कह रहे हैं तो मान लीजिए, संसार को आप खुश करना चाहते हैं, एक दिन रसमलाई बांटेंगे तो खुश हो जाएगा, अगले दिन मालपुआ मांगेगा, जब नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा। संसार में हम किसी को खुश नहीं कर सकते,
थोड़ा सुख का साधन है भगवान का नाम जप, वह बता सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। और गुरु की जिम्मेदारी कि बार बार शिष्य से कहता रहे नहीं 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 देखो माया में मत फंसो, भगवान का नाम लिया करो। इसलिए गुरु को चाहिए अपने शिष्य को भक्ति का उपदेश दे, पिता को चाहिए अपने पुत्रों को भक्ति का उपदेश दे, माता पिता को बच्चों को भक्ति सिखाना चाहिए। ठीक है, उनका जीवन चलाने के लिए आप कोशिश करते हैं कि चलो कुछ पढ़ लो जीवन चलाने के लिए, लेकिन अगर मुक्ति और भक्ति नहीं सिखाएंगे तो हम आप अपने बच्चे का जीवन नष्ट कर रहे हैं। भगवान की सेवा सिखाइए, थोड़ा सा पूजन सिखाइए, वो थोड़ा फूल चढ़ाते 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 एक दिन भगवान की प्राप्ति कर लेगा। नहीं तो एक पैसा कमाना फिर चोरी बेईमानी कर लेना फिर जुटा लेना, इससे क्या होगा, हम अपने ही परिवार को नरक में ढकेलने का या नरक में फेंकने का साधन सिखा देते हैं। और बताते हैं ऋषभ देव जी अपने बारे में, कहा मेरे इस अवतार का, ऋषभ देव जी भगवान के अवतार है, क्या कहते हैं, मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है, कहा सामान्य लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने यह जो जन्म लिया है इसका बहुत बड़ा रहस्य है, शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है, मैंने अधर्म को बहुत दूर धकेल दिया है, इसीलिए लोग मुझे ऋषभ कहते हैं। ऋषभ मतलब जो अधर्म को बहुत दूर फेंक दिया है और धर्म पर चलते हैं। और कहते हैं पुत्रों तुम लोग मेरे शुद्ध हृदय से पैदा हुए हो, इसलिए सारी जलन क्या होता है, भाई भाइयों की जलन होती है आपस में ना, और कितनी जलन होती है सारी दुनिया में, सब जातियों में भाई ही भाई को गोली मार देता है, इतनी जलन होती है। कहा मत्सर छोड़ दो, तुम लोग कोई मत्सर नहीं होना चाहिए, बिना जलन के बिना स्वार्थ के अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। भरत कौन है, ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, और भरत जी के ही नाम पर भारत नाम मिला, भरत की सेवा करो। अगर तुम लोग अपने बड़े भाई की सेवा करोगे तो मेरी ही सेवा होगी और इसी से प्रजा का पालन होगा। ये ऐसी शिक्षा, ऐसी सुंदर शिक्षा जो है ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सिखाते। और क्या कहते हैं, कहा देखो सब भूतों में जितने जीव हैं उस सब भूतों में कहा वृक्ष बहुत श्रेष्ठ है, और वृक्ष से चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, और उसमें जो ज्ञानी जीव है जिनके अंदर थोड़ा ज्ञान है वो श्रेष्ठ है। सभी पशु हैं, पशु मतलब नहीं जो चार पैर से चलता है, पशु मतलब जो पास में बंधा है, हम भी पास में बंध करके यहां पैदा हुए हैं, और जिसे हम जानवर या पशु कहते हैं वह भी पास में फंस करके धरती पर पैदा हुआ है। तो पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य में प्रथम गण श्रेष्ठ है, प्रथमों में गंधर्व श्रेष्ठ है, और गंधर्वों में सिद्ध सबसे श्रेष्ठ है, और सिद्धों से देवता सबसे श्रेष्ठ है, और देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ है। और देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, इंद्र में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि सबसे श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए,
इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं, वो ब्रह्मा जी भी मुझसे पैदा हुए, ऐसा कहते हैं। और ब्रह्मा जी मेरी उपासना करते हैं इसलिए मैं उनसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो पुत्रो, परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। सद्देव जी क्या कहते हैं, ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की पूजा मैं स्वयं करता हूं। राम जी ने क्या किया, अवतार लिया तो क्या किया, गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण की पूजा की और बराबर ब्राह्मणों को प्रणाम करते रहे, जबकि जगत नियंता है, जगत के मालिक है, संसार ईश्वर है, कृष्ण जी ईश्वर है, भगवान है, ब्राह्मणों को प्रणाम करते। वही ऋषभ देव जी कहते हैं ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसी बातें जो है ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझाते हैं, समझाते और कहते पुत्रों, यह जो संसार है, यह जो चराचर जगत है, जो चलने वाला है, अचल है, यह संसार है, यह सब मेरा ही शरीर है, मेरा ही स्वरूप है। शुद्ध बुद्ध से पद पद पर उनकी सेवा करो। संसार में जितना कुछ है, ईश्वर कैसे, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मेरा स्वरूप मान करके उनकी सच्ची सेवा करो। और संसार की सच्ची सेवा मेरा स्वरूप मान के करने से ही मेरी पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजन ही है। का इस संसार की सेवा करते करते मेरा स्वरूप मानकर अगर कोई करेगा तो इस संसार के कालपास से छूट जाएगा। ऐसी शिक्षा ऋषभ देव जी अपने अपने परिवार अपने पुत्रों को सिखाते हैं। ऐसे कहते कहते वो चुप हो गए। इस तरह वो विचरने लगे। ऐसी शिक्षा, कैसे माया से बचा जाए, कैसे हम भगवत की प्राप्ति कर लें, कैसे हम गृहस्थ होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने